हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैगी की बहुत ही आसान सी स्नैक की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ, जो कि बनानी काफ़ी ज़्यादा आसान है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, चटपटी बनती है ये। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। सबसे पहले आलू को हम कट कर लेते हैं। आलू को हम फिंगर्स में कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आलू को अच्छी तरीके से फिंगर्स में कट कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे आलू फिंगर्स फ्राई होने के लिए। तो देखिए, फिंगर्स मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। अच्छे तरीके से 2 मिनट तक पलट पलट करते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है आपको हाई फ्लेम पे। तो देखिए, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी से ये फ्राई हो गए हैं 2 मिनट में ही। इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए, 2 कप पानी को मैंने गैस पे चढ़ा दिया पैन में। पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें मैगी डाल देंगे। मैगी को हमें पकाना है। तो देखिए, पानी में उबाल आ चुका है, मैगी डाल देते हैं। मैगी को हम पका लेंगे जैसे नॉर्मली हम मैगी को पकाते हैं, बट इसमें हम मैगी मसाला भी ऐड नहीं करेंगे। मैगी को आपको ज़्यादा तोड़ना नहीं है, इस तरह से इसमें लच्छे से होने चाहिए। हम पका लेते हैं इसे। तो देखिए, मैगी यहाँ पे पक चुकी है, ओवर कुक नहीं करना है। निकाल लेंगे और एक प्लेट में निकालने के बाद इसे फैला लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मैगी मसाला, जो हमने पहले ऐड नहीं किया था। इस तरह से फैलाते हुए ऐड करेंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये हम छन्नी की सहायता से छानते हुए ऐड करेंगे ताकि सभी तरफ ये अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सभी तरफ अच्छे से कोट हो जाना चाहिए ये। अब हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो देखिए, मैगी में कॉर्नफ्लावर और मैगी का मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। यहाँ पे मैगी भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारे आलू फिंगर्स भी रेडी हैं फ्राई होकर के। थोड़े से हमें लेने हैं टूथपिक्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे टूथपिक। उसमें ये जो आलू के फिंगर्स हमने फ्राई करके रखे हैं, इस तरह से उन्हें इसमें इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको टूथपिक इसमें डाल लेनी है। जो मैगी है हमारे पास, इसमें लपेटना है आपको। इस तरह से आपको लपेट देने हैं इसमें। और इस तरह से थोड़ा सा चिपका सा देना है। इस तरह से ये चिपक जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आपको फ्राइज में कोट कर लेने हैं मैगी। देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें कोट हो गया है, रोल हो गया है। तो इस तरह से आलू के फिंगर्स में आपको लपेट लेने हैं मैगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैगी को मैंने अच्छे से आलू पे लपेट लिया है, बट ये थोड़े थोड़े से खुल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ एक टिप। तो बहुत अच्छे से ये चिपक जाएं, बिल्कुल भी ना खुलें, तो आपको क्या करना है, हाथ को इस तरह से गीला कर लेना है और इसे हाथों के बीच, हथेलियों के बीच इस तरह से रखते हुए दबा देना है थोड़ा सा। तो इससे ये इसमें अच्छे से चिपक जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये चिपक गए हैं। सभी को ऐसे ही हम चिपका लेंगे। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने अच्छे से तेल को गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, तो इन्हें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और दोनों साइड से अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए।
तो देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही ये अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं। इन्हें निकाल लेंगे। कितने बढ़िया फ्राई हुए हैं आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल नई रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं हमने इन्हें फ्राई करके निकाल लिया है और बहुत ही टेस्टी आलू मैगी फ्राइज बनके रेडी हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल नई टेस्टी क्रिस्पी डिलिशियस रेसिपी है। ट्राई करना तो बनता है। आई एम श्योर आपके भी मुंह में आ गया होगा पानी। तो जाइए झटपट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक देना ना भूलें। आवाज़ सुना देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। गर्मा गर्म ही सर्व करें। ऊपर से डाल दें थोड़ा सा चिली पाउडर, अगर नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला। सर्व करेंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, तो इसे एंजॉय करना तो बनता है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।